हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? बेटा जल्दी से लाइव हो जाइए। अंजलि, गौरव, शाबाश, मोहित। बेटा अपना नाम और क्लास सेक्शन ज़रूर लिख दें आप। अटेंडेंस देनी पड़ती है स्कूल में, तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज से बेटा आपकी जो है क्लास वो स्टार्ट हो रही है। कल हमने एक बेसिक जो है इंट्रोडक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर थे आपके, वो हमने एक तरह से डिस्कस किए। तो शाबाश, जल्दी से लाइव जुड़ें। बेटा आप बहुत बच्चे हैं, 9th A से लेकर 9th E तक के सेक्शन में आप 30-30 बच्चों के भी अगर एवरेज लेकर चलें तो बहुत बच्चे होते हैं। ठीक है? नहीं बेटा, ये लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास है बेटा। आप बस लाइव क्लास अटेंड करें, उसके बाद आपको वीडियो जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना? ये लाइव क्लास है, आप केवल इसको पढ़ें बस, और कुछ नहीं करना है आपको। जुड़ गए बेटा? 9 ही बच्चे हुए हो अभी, और जुड़िए जल्दी से। स्टार्ट करते हैं बेटा, जल्दी करो प्लीज। बायोलॉजी की यहाँ पे हम सर आज से आप तीनों पढ़ाओगे? नहीं बेटा, आपके सिर्फ बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी जो आपके फिजिक्स हैं या केमिस्ट्री हैं जो पढ़ा रहे हैं वो ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना? ये बात आप ध्यान रखें। सिर्फ जो 1 वीक है, ये जो वीक है इसके अंदर आपकी बायोलॉजी डिस्कस करेंगे हम, और जब जब बायोलॉजी की क्लास आएगी तब तब मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी, है ना? तो देखिए बेटा, आपकी जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बेटा, आप कहेंगे सर टिश्यू। एक एक मीनिंग ध्यान से समझिएगा। आप इसके नोट्स जो हैं वो राइट डाउन कर चुके हैं, तो आप इसको एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए देखो बेटा, ये जो वर्ड निकला है टिश्यू, एक्चुअल में अपनी एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का नाम है फ्रेंच। तो बेटा सबसे पहले टिश्यू जो था अपने आप में एक फ्रेंच वर्ड था, उस वर्ड का नाम था बेटा, आप कहेंगे सर टिश्यू। ध्यान से देखिएगा बेटा, फ्रेंच में एक वर्ड होता है जिसका नाम है टिश्यू। तो बेटा यहाँ पर इस टिश्यू का जो मीनिंग है, ध्यान से समझिएगा, इस टिश्यू का जो मीनिंग था वो था बेटा आपका, आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर। और बेटा आप इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, या बेटा आप चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड और नाम दे सकते हैं, और वो आपका होता है बेटा टेक्सचर। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो टिश्यू वर्ड है बेटा वो अपने आप में एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और जब इसका मीनिंग देखा गया तो इसका मीनिंग होता है जैसे बनावट। तो बनावट को बेटा आप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और इसको आप टेक्सचर के नाम से भी जान सकते हैं। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात ये बेटा, हमारे जो टिश्यू वर्ड है, ध्यान से देखिए, आपका जो टिश्यू वर्ड है बेटा वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया, और उस साइंटिस्ट का नाम है बेटा बाइकाट। तो कल को अगर आपसे क्वेश्चन राइज हो जाए 1 लाइनर में कि टिश्यू शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस या यूज किसने किया, तो आप कहेंगे दिव्या। बेटा अटेंडेंस देनी जरूरी है,
अटेंडेंस जो है आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ये अटेंडेंस आपकी जो है क्लास में स्कूल में जाएगी, तो आप अपना नाम और क्लास सेक्शन जरूर लिख दें। तो देखिए टिशू जो वर्ड था उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस या बोलने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था बेटा बायकॉट, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसी बायकॉट को बेटा, इसी बायकॉट को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ध्यान से देखिएगा बेटा फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा हिस्टोलॉजी, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, बायकॉट को, जिसने सबसे पहले टिश्यू वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा आप कह सकते हैं क्या कि एक्चुअल में टिश्यू होता क्या है, तो आप कहेंगे सर ए ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। बेटा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो ग्रुप का सेल होता है, एक से ज़्यादा जो ग्रुप होती है बेटा सेल्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर टिश्यू। और बेटा ध्यान से देखिएगा, इस टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो एक स्पेसिफाई वर्क को कंप्लीट करना होता है। तो बेटा मैं ये कह दूँ आपसे कि इसका जो मेन काम है वो क्या है, आप कहेंगे सर ये स्पेसिफिक वर्क करती है। और जब बेटा स्पेसिफिक वर्क हो तो हमारी जो टिश्यू है या उसके अंदर जो सेल्स होती है वो बेटा आपकी वन टाइप जो सेल है बेटा वो हमेशा एक तरह का स्पेसिफिक वर्क को हमेशा फिनिश करती है। तो आप हमेशा इस बात को समझे कि जब जब टिश्यू बोला जाएगा तो बेटा टिश्यू के अंदर आपका स्पेसिफिक वर्क फंक्शन होगा, और उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमेशा जो ग्रुप ऑफ सेल होगा बेटा वो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स से ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड विच ऑर्गेनाइज ए स्पेसिफिक वर्क। बेटा टिश्यू का जो है वो फ्रेंच वर्ड है, ये वो वर्ड था और इसका मीनिंग था बेटा टेक्सचर, या इसको हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और बेटा हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया बायकॉट ने, और बेटा फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी किसको बोलते हैं, आप कहेंगे सर बायकॉट को ही बोलते हैं। और ए ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, यानी कि वन टाइप्स या सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल डन स्पेसिफिक वर्क इन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज इन प्लांट सेल या एनिमल सेल। दूसरा आप ये बात कह सकते हैं क्या कि बेटा आपके जो टिश्यू होते हैं वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू और बेटा दूसरा जो होता है आपका, आप कहेंगे सर एनिमल टिश्यू। जनरली आपके जो टिश्यू होते हैं बेटा वो प्लांट टिश्यू होते हैं, और इसके साथ साथ बेटा वो क्या होते हैं, आप कहेंगे सर एनिमल्स टिश्यू, ये बात ध्यान से समझिएगा आप। और बेटा जो प्लांट है टिश्यू उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, आप कहेंगे सर हर्बर लैंड, ये इस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बेटे प्लांट टिश्यू को इंट्रोड्यूस किया। तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु इज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू, तो बेटा आप इसको बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट टिश्यू। तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, प्लांट टिश्यू का जो फादर है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हर्बर लेंथ के नाम से जानते हैं बेटा, जिसने सबसे पहले प्लांट टिश्यू को ऑर्गेनाइज या इंट्रोड्यूस किया, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने स्टार्ट हुआ है क्या कि टिश्यू एक्चुअल में है क्या, तो आप कहेंगे सर टिश्यू एक फ्रेंच वर्ड है और वो फ्रेंच वर्ड ये है टिश्यू, और इसका जो मीनिंग होता है बेटा वो होता है टेक्सचर, या उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, अब वो प्लांट भी हो सकता है बेटा, वो एनिमल्स भी हो सकता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बनावट होती है उस बनावट को रिप्रेजेंट करता है टिश्यू। दूसरा आप कह सकते हैं टिश्यू जो वर्ड है बेटा
उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस या यूज करने वाला जो साइंटिस्ट है वो बाइकार्ट है बेटा, और इस बाइकार्ट को ही हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और हिस्टोलॉजी क्या है आप कहेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स स्टडी अबाउट टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। दूसरा आप कह सकते हैं टिश्यू क्या होता है, एक्चुअल में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो टिश्यू जनरेट या फॉर्मेशन करता है बेटा, और टिश्यू का जो काम होता है वो हमेशा एक स्पेसिफिक वर्क को ऑर्गेनाइज या फिनिश करना होता है। और बेटा जब एक स्पेसिफिक वर्क डन होगा तो ये वो जो टिश्यू बना होगा वो बेटा सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से ही बना होगा, बेटा सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से ही बना होगा। और हम कह सकते हैं कि टिश्यू जो है वो बेटा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो आपकी क्लासिफिकेशन हुए हैं, और प्लांट टिश्यू को सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज या इंट्रोड्यूस किया उसने किया हर्बर लेंथ ने, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ आप कहेंगे प्लांट टिश्यू। वंश और अंजलि, बेटा एक बात समझिए क्या बताना है ये बताइए, टिश्यू की जो स्टडी है बेटा उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी को एक तरह से मैं ये कहूँ कि तैयार किया वो किया बाइकार्ट ने, तो फादर ऑफ टिश्यू या हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, बाइकार्ट को, और इसी ने सबसे पहले टिश्यू वर्ड इंट्रोड्यूस भी किया था। और बेटा टिश्यू जो होता है वो क्या होता है आप कहेंगे, सर एक फ्रेंच वर्ड था पहले ये जिसका नाम था ये टिश्यू, और इसका मीनिंग था बेटा टेक्स्चर, और टेक्स्चर का मीनिंग होता है किसी भी शरीर की बनावट, बनावट को ही टिश्यू बोलते हैं बेटा। और हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू का जो काम होता है वो स्पेसिफिक वर्क को ऑर्गेनाइज करना होता है, और आप कहेंगे सर ये हमेशा वन टाइप्स ऑफ सेल, और ये वन टाइप्स ऑफ सेल का मतलब है बेटा कि जो टिश्यू जिस सेल से बना होगा उसमें सभी सेल्स की जो स्ट्रक्चर होगी या जो फंक्शन होगा बेटा वो आपका हमेशा सेम रहेगा। और प्लांट टिश्यू का फादर हम किसको बोलते हैं, हर्बर लेंथ को बोलते हैं, ये आप हमेशा ध्यान। आप चाहें तो बेटा, बेटा कार्तिक ये बिल्कुल आपका डेप्थ में स्टडी करवा रहे हम, एनटीएससी हो बेटा या आपका कोई सीबीएसई का बोर्ड है हम उसमें इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल डेप्थ में लेके चल रहे हैं बेटा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, वेरी गुड, जल्दी कीजिएगा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ो। आवाज चलिए आगे देखिएगा बेटा, चलिए देखिए बेटा जो अपना टिश्यू होता है उसको हमने बताया कि वो टू टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ, एक होता है बेटा प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है बेटा एनिमल टिश्यू। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो प्लांट टिश्यू से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा देखिएगा आपका पहला है जिसका नाम है बेटा प्लांट टिश्यू, ध्यान से देखिएगा, बेटा अगर मैं ये कहता हूँ कि प्लांट टिश्यू जो है बेटा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और जब किसी चीज़ का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपका कोई ना कोई बेस ज़रूर होता है। तो यहाँ पर जो प्लांट टिश्यू को हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो पार्ट में वो बेटा इसलिए, एक तो इसकी स्ट्रक्चर के बेस पर, इसके साथ साथ इसकी वर्किंग के साथ, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। चलिए बेटा देखिएगा, फोन उठा लीजिए बेटा, हम कहेंगे इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, और किस पर, तो ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ किस किस पर बेटा? तो पहले मैंने बताया स्ट्रक्चरल, और इसके साथ साथ बेटा आप कहेंगे सर वर्किंग। तो स्ट्रक्चर और वर्किंग के बेस पर हम जो है प्लांट टिश्यू को वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा, दूसरा पहला जो होता है उसका नाम होता है मेरी स्टेमेटिक टिश्यू। बेटा पहला जो पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपका फर्स्ट है बेटा। और दूसरा जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ध्यान से देखिएगा, हमने उसकी स्ट्रक्चर और वर्किंग के बेस पर टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है बेटा आप कहेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बेटा उसके भी आपके तीन सब पार्ट होते हैं, ये बात ध्यान से देखिएगा बेटा। इसके भी आपके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज आप कहेंगे सर एपिकल मेरिस्टेम्स। बेटा ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम्स। दूसरा होता है बेटा जिसका नाम है आप कहेंगे सर लेटरल, और बेटा इसी का दूसरा नाम होता है क्या, सब एपिकल। ये ध्यान से देखिएगा बेटा, सब एपिकल मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स। और बेटा तीसरा जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर इंट्रकैलेरी, इंट्रकैलेरी मेरिस्टेम्स। ये आपके तीन पार्ट है बेटा जिसको हमने सब पार्ट कहा है, किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या इसको आप मेरिस्टेम्स के नाम से भी जान सकते हैं। सर ये वीडियो आप YouTube पर मिल जाएगी, ये पर्सनल नहीं है बेटा। इसको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा अंजलि, इसको बेटा मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको ये जो क्लास पढ़ाई जा रही है बेटा इसको मैं ग्रुप में चैनल पर डालकर जो है आपके पास सेंड कर दूंगा, जैसे पहले करता था। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें, ये पब्लिक है बेटा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। वरना मैं आपके ग्रुप में जो स्कूल के ग्रुप बने हुए हैं बेटा उन सभी ग्रुप में छोड़ दूंगा 9th के क्लास, आप बेफिक्र रहें। अब तो बस आप समझने का काम करें बेटा। चलिए बेटा, पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके तीन टाइप्स होते बेटा, आप कहेंगे एपिकल। दूसरा है बेटा लेटरल या सब एपिकल, और बेटा इसको बोलते हैं इंटरकैलेरी मेरिस्टेम्स। बेटा आपके जो परमानेंट टिश्यू है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ध्यान से देखिएगा बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू। और बेटा दूसरा जो होता है इसका पार्ट उसको हम बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये देखिएगा, हमने परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट कर दिए, फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और बेटा एक बात देखिए, इसके तीन पार्ट होते हैं बेटा, इसके जो हैं वो तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है जिसका नाम है पेरेन्चाइमा। बेटा ध्यान से देखिएगा, पहला जो पार्ट है इसका पेरेन्चाइमा, ये इसका पहला पार्ट है बेटा। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा कोलेनचाइमा, ध्यान से देखिए बेटा, दूसरा जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं कोलेनचाइमा। और बेटा तीसरा जो आपका पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेलेनचाइमा। ये आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है बेटा उसके तीन पार्ट होते हैं, पेरेन्चाइमा, कोलेनचाइमा और एक होता है बेटा स्लेनचाइमा। और बेटा जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके केवल दो ही पार्ट होते हैं बेटा,
पहला होता है जिसका नाम है, आप कहेंगे सर जाइलम। पहला जो पार्ट है बेटा उसको हम बोलते हैं जाइलम, और दूसरा जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं बेटा फ्लोएम। ध्यान से देखिएगा, जाइलम और बेटा फ्लोएम, ये आपका बेटा टाइप्स हैं किसके, प्लांट टिश्यू। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शाबाश, देखिएगा बेटा आपके पास सिंपल क्या है, प्लांट टिश्यू है बेटा। उस प्लांट टिश्यू को स्ट्रक्चर और वर्किंग के बेस पर हम बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है बेटा परमानेंट टिश्यू। इसके तीन सब पार्ट है, एपिकल, मेरिस्टेम्स, लेटरल या सब एपिकल, और बेटा एक होता है इंटरकैलेरी मेरिस्टेम्स। इसी तरह से बेटा परमानेंट टिश्यू के भी दो पार्ट हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और हम कहेंगे सिंपल के तीन पार्ट है, पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्लेंचाइमा, और बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट हैं, एक आपका जाइलम और एक आपका बेटा जिसका नाम है फ्लोएम। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ें। बेटा जिसको वीडियो अच्छी लग रही है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको वीडियो में समझ में आ रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या कि पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, और जब इसकी वर्किंग की बात आएगी तो हम उसको डायग्राम से समझेंगे। तो देखिए पहले होता क्या है, मेरिस्टेम्स जान लेते हैं बेटा, पहले इसके फैक्ट क्या क्या हैं। तो देखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है बेटा, क्या अंशु 9th है बेटा, वही बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसका होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग क्या है, सारी डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एक ऐसे टिश्यू है जब तक आपका पेड़ का जो लाइफ साइकिल होता है बेटा, तब तक ये हमेशा डिवीजन करते रहते हैं। मतलब बेटा इसमें हमेशा क्या है, चेंजेस या वेरिएशन आते रहते हैं। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि these divides in different form life time period। ये बेटा पहला पॉइंट है कि जब तक आपका जो बेटा प्लांट का जो लाइफ टाइम साइकिल है बेटा वो जब तक चलता है, तो बेटा ये आपका हमेशा वेरिएशन या चेंजेस करते रहते हैं बेटा डिफरेंट टाइप में। एंड फाइनली फॉर्म्स क्या बनाते हैं बेटा, आप कहेंगे सर परमानेंट टिश्यू। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें बेटा, फाइनली ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप कहेंगे सर परमानेंट टिश्यू में जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बात ध्यान से समझिए बेटा, मेरिस्टेमेटिक जो होता है एक आपका ऐसा टिश्यू होता है बेटा जो लाइफ टाइम पीरियड, जब तक प्लांट का जो जीवन रहता है तब तक बेटा ये बदलते रहते हैं, और जैसे ये बदलते रहेंगे तो फाइनली जब इनकी एक स्टेज आ जाए तो बेटा मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो आपका परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात ये, क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये बने किसके हैं, आप कहेंगे सर दीज आर मेड ऑफ क्या बेटा, आप कहेंगे सर इमैच्योर सेल। ये आप ध्यान से देखिएगा बेटा,
दीज आर मेड ऑफ इमैच्योर सेल्स। हमेशा किससे बने बेटा, एक ऐसी सेल जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। मैच्योर तो वो तब जाकर बनेगी जब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके आपका मैच्योर होगा। लेकिन जब तक उसमें वेरिएशन होते रहते हैं, इसका मतलब वो आपका ट्राई कर रहा है मैच्योर होने के लिए। और आप कहेंगे सर एंड बी कम्स क्या, आप कहेंगे सर मैच्योर बिकम्स मैच्योर बाई क्या, आप कहेंगे सर मिटोसिस डिवीजन। ये आप देखिएगा बेटा, मिटोसिस डिवीजन। बेटा अगर आपसे ये कहा जाए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपका कौन से डिवीजन से होता है, तो बेटा मिटोसिस डिवीजन। अब इसका आप मीनिंग समझ लीजिएगा बेटा, हमारा जो सेल डिवीजन होता है वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मिटोसिस और बेटा सेकंड इज मियोसिस। बेटा जो मिटोसिस डिवीजन होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल में चलते हैं, तो बेटा जितने वो पेरेंट सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम बेटा वो डॉटर सेल को ट्रांसफर कर देते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि बेटा जब आपका पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बेटा डॉटर सेल में उतने ही आपके ट्रांसफर कर देगा, तो उसके अंदर किसी तरह का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। तो बेटा इस तरह का जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं मिटोसिस। और एक वर्ड होता है बेटा मियोसिस, और मियोसिस वो होता है जहाँ पर आपका बेटा पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कुछ होते हैं और बेटा डॉटर सेल में कुछ होते हैं। तो जब आपके क्रोमोसोम वेरी कर जाए, चेंज कर जाए, उसको तो मियोसिस बोलते हैं बेटा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये पेरेंट है और ये उसका डॉटर है बेटा, अगर दोनों की स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा सेम हो, इसकी पेरेंट्स की भी और बेटा इस डॉटर सेल की भी, तो बेटा उस तरह का जो डिवीजन होगा उसका मतलब मिटोसिस। और मिटोसिस जहाँ पर वर्ड आ जाए वहाँ पर हम लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा प्लांट के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जनरली कौन सा डिवीज़न होता है, मिटोसिस डिवीज़न होता है। और जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब नो वेरिएशन। मिटोसिस का मतलब होता है बेटा नो वेरिएशन, किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा आप क्या कहेंगे, क्या कि दीज आर प्रेजेंट, ये कहाँ पर पाया गया है, तो आप कहेंगे सर दीज आर प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर, इन ग्रोथ पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो बेटा प्लांट का जो ग्रोथ पार्ट होता है, चाहे वो आपका रूट हो बेटा, चाहे वो आपका स्टेम हो, चाहे आपका फ्लावर फूल हो बेटा, या आपका मैं ये कह दूं कि इस तरह से, तो देखिए सर प्लीज रिपीट मिटोसिस एंड मियोसिस वंस। और वीरेंद्र ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं कह रहा हूं कि ये जो टर्म लिखी हुई है मिटोसिस, इस मिटोसिस का मीनिंग होता है बेटा कि पेरेंट के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स है और जब वो अपनी नई डॉटर सेल को बनाता है या न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो बेटा सेम करैक्टरिस्टिक्स इस डॉटर सेल के अंदर भी होगी। मतलब जैसा पेरेंट्स दिखता है वैसा ही डॉटर दिखेगा, तो दोनों के स्ट्रक्चर में या दोनों के फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसका मीनिंग होता है बेटा मिटोसिस। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि मियोसिस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा बेटा पेरेंट सेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी इसकी डॉटर सेल से, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम से अलग अलग होंगे। तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, इसकी वर्किंग भी डिफरेंट होगी अपनी डॉटर सेल से, तो जिसमें चेंजेस आ जाए वहां पर हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप खुद को देख लीजिए,
कि आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रक्चर में या आप जो काम करते हैं वो पेरेंट्स से डिफरेंट है। अंजलि यादव सर, हुमन क्या है? बेटा हुमन जो है वो मियोसिस है, जबकि प्लांट जो होते हैं बेटा वो मिटोसिस है। प्लांट जो है बेटा मिटोसिस है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई मटर का पेड़ है या बेटा कोई सरसों है, तो सरसों बोएंगे तो बेटा सरसों ही उगेगी, गेहूं का पौधा थोड़ी ना उगेगा। तो बेटा सरसों से सरसों ही बनी। तो पहली सरसों पेरेंट सेल थी, दूसरी सरसों भी बेटा एक तरह से वही है, सेम स्ट्रक्चर है। तो सेम आ जाए तो बेटा मिटोसिस और डिफरेंट आ जाए तो बेटा मियोसिस। ह्यूमन हुआ, एनिमल्स हुआ, बर्ड्स हुआ, ये बेटा मियोसिस डिवीजन होता है इनमें सेल का। और जो बेटा प्लांट वगैरह होते हैं उन सभी में बेटा मिटोसिस डिवीजन होता है। और हमने कहा है कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ग्रोथ पार्ट ऑफ द प्लांट। तो क्या क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर ये आपका एग्जाम्पल है क्या, रूट के अंदर हो सकता है बेटा। आप कहेंगे सर फ्लावर के अंदर हो सकता है। ऐसे ही बेटा आप कहेंगे क्या, रूट हो गया एक आपका बेटा, स्टेम हो सकता है। ऐसे ही फ्लावर का एक पार्ट होता है और उस पार्ट का नाम है बेटा स्टिग्मा। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसका सब पार्ट होता है बेटा स्टिग्मा। और ऐसे ही मैं कहूँ क्या, एक आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं कहता हूँ कि बेटा जो आपकी पोलन ग्रेन्स या पोलन ट्यूब्स होते हैं फ्लावर में, वहाँ पर तो रूट हुआ, फ्लावर हुआ, स्टेम हुआ, और आप चाहें तो बेटा ब्रांचेज यानी कि टहनी भी लिख सकते हैं। तो बेटा इन सभी में क्या पाया गया है, मेरिस्टेम्स टिश्यू पाया गया है। तो आप चाहें तो एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जो है बेटा लिख दीजिएगा। ले लिया बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा आगे चलिए और इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर डायग्राम देखेंगे। मेरिस्टेम्स जो टिश्यू है बेटा, दीज आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। बेटा ध्यान से देखिएगा, दीज आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स विच हेल्प्स टू इंक्रीज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लांट। बेटा अगर आपसे कल को क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट की लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्रीज करता है मेरिस्टेम टिश्यू, क्योंकि बेटा ये किसका बना होता है, आप कहेंगे सर लिविंग सेल्स का बना होता है। ये बात बेटा मैंने बताया ना आपको कि आपकी जब ममता यादव श्रीवास्तव, मेरे ख्याल से आप रोशन है बेटा, तो ये आप ध्यान से देखें कि मैंने कहा कि एक वीक जो आपकी क्लास लगेगी बेटा वो इसी टाइम पर लगेगी, ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो बेटा ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा। वीरेंद्र कह रहा है कि मियोसिस बता दो, तो बेटा मियोसिस जो है वहां पर वेरिएशन है बेटा। मियोसिस जो है वो प्लांट को छोड़कर एनिमल्स में होगा, ह्यूमन बीइंग्स में होगा मियोसिस, लेकिन मिटोसिस बेटा प्लांट में ही होगा। तो जब हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू, तो बेटा वहां पर एक बार मियोसिस को फिर क्लियर कर देंगे। देखिए दूसरा आप कहेंगे इन दिस क्या,
इंटर मोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन सेल्स आर अब्सेंट। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, इसके अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में बेटा किसी भी तरह का कोई भी स्पेस नहीं होता, कोई भी बेटा स्पेस नहीं होता। तो आप ये कहेंगे कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बेटा वो हमेशा क्या होता है, दो सेल्स के बीच में अब्सेंट होता है बेटा। ठीक है, तीसरा कहेंगे बेटा क्या, दीज टिश्यू सेल आर कवर्ड बाई सेल वॉल विच इज मेड ऑफ सेल्यूलोस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्यूलोस, तो ध्यान से देखिएगा, इस टिश्यू के अंदर जितनी भी आपकी सेल्स होती है उस सेल्स के चारों तरफ बेटा एक लेयर होती है और उस लेयर को बोलते हैं हम सेल वॉल। तो बेटा टिश्यू की जो सेल है इसकी वो सेल वॉल से घिरी हुई होती है, और बेटा वो जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, आप कहेंगे सर वो जो सेल वॉल है बेटा वो सेलुलोज की बनी होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरह से बेटा मैं ये कह दूंगा क्या, विच इज बिल्डेड बाई साइटोप्लाज्म। बेटा ध्यान से देखिएगा, और इस सेल वॉल के अंदर जो है बेटा वो क्या भरा होता है, आप कहेंगे सर साइटोप्लाज्म जो है बेटा वो आपका भरा हुआ होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा ये कहेंगे, देखिए ये इसका लास्ट पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे इन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट वैक्यूओल्स आर अब्सेंट। ठीक है बेटा, वैक्यूओल्स आर अब्सेंट। और एक लास्ट बात और क्या, दीज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या बेटा इसको हम क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं। एक बार बेटा इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश, इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं इसके डायग्राम की तरफ, देखिए बेटा आपको अगर समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बच्चे भी देख लें। लेकिन बेटा आपका ये हर एक एग्ज़ाम से, भले ही आप NTSC दे लेना या बेटा इस बात को पढ़कर आप इस चैप्टर को जो है आप क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लेना बेटा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, हाँ चलिए अब बेटा बढ़ते हैं इसके डायग्राम की तरफ और देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेटा उसके यहाँ ये तीन पार्ट कहाँ कहाँ तक है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स और बेटा ये इसकी स्ट्रक्चर है। आप देखते हैं बेटा डायग्राम से और बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा सर डेली क्लास इसी टाइम पर होगी, हाँ भाई इसी टाइम पर कर देंगे अगर आपके पास टाइम है तो, वरना आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा, वैसे चाहते हम तो यही है कि इसी टाइम लगे। ठीक है बेटा चलिए देखिए, बेटा ध्यान से देखिएगा,
देखो बेटा, एक हमने प्लांट लिया है और उस प्लांट के अंदर पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि बेटा कौन सा पार्ट एपिकल टिश्यू होता है, कौन सा पार्ट बेटा लेटरल होता है या सब एपिकल होता है, और बेटा कौन सा जो है वो आपका इंट्रकैलेरी होता है, ये पता करने की कोशिश करते हैं बेटा। फिर इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिएगा बेटा, ये जो टॉप पर आपको पार्ट दिख रहा है, टॉप पार्ट, इस टॉप का पार्ट को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर एपिकल टिश्यू, मेरिस्टेम। ठीक है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर एपिकल मेरिस्टेम्स। बेटा ये जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है मिडिल पार्ट, इस मिडिल पार्ट को ही बेटा आप कहेंगे सर मिडिल पार्ट बोल दो, या बेटा इसको इनर पार्ट बोल दो। इस इनर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर इनर है, तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा इंट्रकैलेरी मेरिस्टेम्स, मेरी स्टेम्स ये है बेटा। और आपका ये जो तीसरा पार्ट दिख रहा है इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर लेटरल मेरिस्टेम, या आप चाहें तो बेटा इसको एक नाम और दे सकते हैं, क्या आप कहें तो इसको सब एपिकल भी बोल सकते हैं बेटा। बेटा एक प्लांट है, एक पौधा है, उसके अंदर ये जो है बेटा आपके पार्ट हैं, जो टॉप लेवल पर है बेटा वो आपका एपिकल टिश्यू है, जिसको हम टॉप यानी कि शीर्ष ऊपर का हिस्सा, मिडिल या बेटा इनर पार्ट है उसको हम इंटरकैलेरी के नाम से जान सकते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है बेटा जो आपका है लेटरल, तो ये आपका एक तरह से प्लांट के अंदर इनकी बेटा स्ट्रक्चर है। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। अब इनके अलग अलग डायग्राम देखते हैं, एपिकल टिश्यू क्या होता है, इंटरकैलेरी क्या होता है बेटा, या लेटरल या बेटा सब एपिकल क्या होते हैं, तो एक इसका अलग अलग डायग्राम देखिएगा। बेटा समझ पा रहे हो ना मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा ये जो स्ट्रक्चर है हम देखिए करते हैं, बेटा ये जो डायग्राम आपका बन रहा है इस डायग्राम का जो नाम है वो है बेटा एपिकल मेरिस्टेम्स टिश्यू, ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा। ये बेटा हम इसकी नोड वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेटा ये जो आपका डायग्राम है बेटा इसको हम बोल रहे हैं कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम्स। देखिए बेटा बेटा ये जो आपका पार्ट है ये
इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा लीफ पेरिओडियम। बेटा इसको हम बोल रहे हैं लीफ पेरिओडियम। या बेटा इसको पेरी की जगह प्रिम कर दीजिए, प्रिम ओडियम, पी आर आई एम ओ डी आई ओ एम। बेटा आपका ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा शूट एपिकल। इसको बोलते हैं बेटा शूट एपिकल, शूट एपिकल। ये पार्ट है बेटा, ये जो बेटा आपको ये डॉट दिखाई दे रहे हैं इसका नाम होता है मेरी स्टेमेटिक जोन, मेरी स्टेमेटिक जोन। इसी तरह से बेटा और पार्ट देखिए इसके, तो आप कहेंगे सर कि ये जो बेटा ये आपका ये जो पार्ट है ये, या बेटा ये जो पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी बड्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आप कहेंगे सर ऑक्सिलरी बड्स। एक एक चीज देख लीजिएगा बेटा, और बेटा ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंटिएट डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू टिश्यू। बेटा ये जो आपका डायग्राम है ये किसका है? आप कहेंगे सर ये जो हमारा डायग्राम है ये आपका है बेटा एपिकल मेरिस्टेम। ये बेटा आप ध्यान रखिए। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा आपकी 5 या 7 मिनट बेटा इसकी वर्किंग और बता देते हैं, फिर हम जो है क्लास को रोक देंगे बेटा। बस इसकी वर्किंग और एक बार समझ लीजिए, फिर हम जो है रोक देंगे। एक एक बार इसकी वर्किंग लिख देते हैं 4-5 लाइनों की है बेटा, फिर आपकी क्लास ऑफ कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं बेटा, चलिए अब देखते हैं। चलिए बेटा इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए बेटा वर्किंग ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स। देखिए बेटा, बेटा अगर मैं ये कहूं कि एपिकल जो होता है वो अक्सर बेटा रूट और जो आपका स्टेम होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, रूट और जो स्टेम है बेटा उसका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है यानी कि जहां पर उनकी लेंथ बढ़ने की संभावना होती है या जहां से लेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट होती है बेटा, उस पार्ट में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम्स। तो बेटा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका जो स्टेम है वो, या बेटा आपकी जो रूट है वो, उसके अंदर क्या है, आप कहेंगे कि ग्रोथ पॉइंट को क्रिएट करना, ग्रोथ पॉइंट को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, ये एक फंक्शन होता है किसका बेटा? एपिकल मेरिस्टेम्स। और बेटा चाहे आपकी रूट की लेंथ हो चाहे बेटा आपकी स्टेम की लेंथ हो, उसको इंक्रीज करने के लिए कौन फंक्शन करते हैं? आप कहेंगे सर एपिकल मेरिस्टेम्स काम करते हैं। तो आप कहेंगे दीज आर प्रेजेंट इन, इसके अंदर बेटा आप कहेंगे सर ग्रोइंग पार्ट ऑफ रूट्स एंड स्टेम।
ध्यान से देखिएगा बेटा, चाहे आपका स्टेम्स हो चाहे बेटा रूट्स हो, उसका जो ग्रोइंग पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टमेटिक। दूसरा है बेटा, दे फंक्शंस टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। बेटा रूट्स की जो लेंथ है या स्टेम्स की जो लेंथ होती है बेटा, उसको इंक्रीज करने के लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक काम करते हैं। और बेटा आप कहेंगे क्या, दे आर कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ या डिवाइडेड और ग्रोथ। बेटा ये लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, या आप कहेंगे कि ये लगातार जो है बेटा डिवाइड होते रहते हैं। दीज आर द वर्किंग ऑफ, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर एपिकल। तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये उस पार्ट में पाए जाते हैं चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में पाया जाएगा बेटा। उसके जो फंक्शन होते हैं बेटा वो केवल लेंथ को इंक्रीज करता है, और ये जो है लाइफ टाइम पीरियड जो है बेटा वो आपका हमेशा डिवाइड होता रहता है, क्लासिफाइड होता रहता है। ये इसकी जो है बेटा फंक्शन है। एक आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, उसके बाद बेटा वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात जरूर सुन के जानना बेटा, कल के लिए है बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए बेटा, अंशु बेटा ये पहले मैं लिखवा चुका हूं, लेकिन अंशु नाइन्थ है ये लिखवा चुके हैं बेटा टिश्यू वाला चैप्टर, लेकिन आपने ना लिखा हो तो आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम के साथ। बेटा राहुल मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर रूट या स्टेम्स होते हैं उसमें भी बेटा ग्रोइंग पार्ट होते हैं, वहां पर ये है। दूसरा आप कहेंगे सर केवल ये लेंथ इंक्रीज करने का काम करते हैं, या बेटा ये रूट के अंदर या स्टेम्स के अंदर जो है आप कह सकते हैं कि वो हमेशा ग्रोइंग पॉइंट को क्रिएट या प्रोड्यूस करेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक उस प्लांट की जो लाइफ स्टाइल है बेटा या लाइफ टाइम पीरियड जो है वो चलाते रहेंगे। हाँ इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा कि कल जो है स्कूल में ड्यूटी है, अगर 4 बजे से पहले हम आ जाते हैं तो बेटा आपकी क्लास जरूर लगाएंगे, और अगर 4 बजे से पहले नहीं आ पाए तो आपकी क्लास नहीं लगेगी। बेटा ये कोचिंग वालों का है स्टडी एक्सप्रेस ऐप, अंजलि आपका नहीं है बेटा, आपको नहीं करना है डाउनलोड, ठीक है। आपको ये स्टडी एक्सप्रेस आपके काम का नहीं है बेटा, ये केवल कोचिंग जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं उसने बना रखा है, तो आप जो है इसको ना छेड़े, आप तो बस लाइव क्लास ले। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी जो है बेटा मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा इसको, इसका जो वीडियो हमने क्या किया है रिकॉर्ड भी किया है यही वीडियो। तो बेटा आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटा कल इसका जो है वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेटा, डायग्राम के साथ या फंक्शन जो है, किसी तरह का जो क्वेश्चन है बेटा आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप पे ना करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।